गांधी चौक धरमजयगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। दोपहर 3 बजे यादव भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी, जहां बैठक को संबोधित करते हुए टीकाराम पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बौखला गई है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की रीति नीति को जान चुकी है। अपने हाथ से कुर्सी जाने के डर से भूपेश बघेल भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। सच्चाई सुनने के लिए भूपेश बघेल के पास हिम्मत नहीं है। कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त है। पटेल ने युवाओं को बताया कि जब भाजपा संघर्ष कर रही तब 5-7 कार्यकर्ता ही मिलकर आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करते थे। अब भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या करोड़ों में है। गोकुल यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हो रहे कोयला चोरी को भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, जिस कारण भूपेश बघेल सरकार की पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं ओपी चौधरी के खिलाफ दर्ज फर्जी FIR का जब रायगढ़ में विरोध किया गया, तब रायगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैठक जगन्नाथ यादव, मोती बेहरा, शशि पटेल ने भी संबोधित किया। बैठक के बाद कार्यकर्ता भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाते रैली निकालकर बाजार से बस स्टैंड का चक्कर लगाते गांधी चौक पहुंचे, जहां पर पुतला दहन को रोकने थाना प्रभारी पहले से पुलिस बल के साथ तैनात थे। वहीं तहसीलदार धरमजयगढ़ भोजराज डहरिया भी मौके पर उपस्थित थे। युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रणनीति के तहत भूपेश बघेल के पुतले में आग लगा दी। तब पुलिस वालों ने पुतले में लगी आग को बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच जलते पुतले को लेकर पुलिस एवं कार्यकर्ताओं में छीना झपटी भी हुई, जिसमें किसी किसी को आग की हल्की फुल्की आंच लगी है। भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पुतला दहन के बाद भी कई मिनटों तक नारेबाजी करते रहे। इस पुतला दहन कार्यक्रम में युवा महिला मोर्चा के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। धरमजयगढ़ से भरतलाल साहू की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल धरमजयगढ़ में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अभी कुछ ही पल पूर्व भारतीय जनता पार्टी मंडल धरमजयगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। आप सबको विदित है, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के ऊर्जावान और पूर्व IAS श्री ओपी चौधरी जी के मुखर होकर जन सरोकार की मुद्दों को छत्तीसगढ़ के अंदर में उठाने का काम किया। उससे बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ओपी चौधरी के ऊपर FIR दर्ज किया, झूठा FIR दर्ज किया, भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को गिराने का काम करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन छोटी छोटी बातों से डरने वाली नहीं है। ओपी चौधरी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ पार्टी एक साथ है। उसी कड़ी में रायगढ़ जिला में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जिले के कोने कोने के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया। उस पुतला दहन एवं चक्का जाम के किए जाने के पर वहां की पुलिस प्रशासन ने भूपेश बघेल के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया, जनता की भावनाओं को कुचलने का काम किया। उसी कड़ी में उन सारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज धरमजयगढ़ मंडल में ओपी चौधरी जी के ऊपर किए गए फर्जी FIR एवं भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं के ऊपर किए गए FIR के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल धरमजयगढ़ के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आज धरमजयगढ़ के इस पावन भूमि में भूपेश बघेल का पुतला दहन कर हम भारतीय जनता पार्टी की ताकत को भूपेश बघेल को बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर में आपकी क्या अंतिम यात्रा होगी, आपको कुर्सी छोड़ना होगा। इसी भावना के साथ आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किए।